बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत अरसे पहले की बात है, मैंने क्लास में केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ाई कि केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शन ऑफ मैटर। बड़ी डिटेल बताई कि कंपोजिशन क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, रिएक्शंस क्या है, अलग अलग उनके जो है ना कमेंट बना के बताए। लेकिन एट दी एंड जब क्लास से फीडबैक ली, मोस्टली बच्चों से मैंने सुनने की कोशिश की, कुछ ने सुनाई, और एक बच्चा जो बिल्कुल लास्ट में कॉर्नर में बैठा था, मैंने उससे पूछा कि बेटे बताएं केमिस्ट्री क्या है। वो कहता सर ये जो कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़, बातों की तो सब की समझ आ गई है, बेटा एक मसला है। बेटे आपका क्या मसला है? अखे सर मेरे को डेफिनेशन याद नहीं थी दी, मेरे को कोई यो समा तरीका दसो डेफिनेशन याद थी पवे। मैंने कहा भाई आपको हर चीज़ अलहदा अलहदा तो बताई है कि कंपोजिशन ये होता है, स्ट्रक्चर ये है, प्रॉपर्टीज़ ये है, केमिकल रिएक्शन ये है, उनकी एग्जाम्पल दे के समझा। आखे सर थोड़ी गाल ये कि ठीक है, सारी चीज़ें समझ आ गए, तो सर मेरे सवाल को समझो। अच्छा भाई आपका क्या सवाल है? सर इनको याद किए करना है। वो भाई याद तो अब आपने जब चीज़ें अंडरस्टैंड कर ली हैं, इसको बार बार लिखो, याद करो। आखे ना सर इनको याद कराने का कोई सुखा तरीका दसो। मैंने कहा भाई सुखा तरीका यही है कि टीचर आता है, चीज़ों को लिखता है, एक्सप्लेन करता है ना, सही मेरे को समझ नहीं आई, तो सबको याद कराना मेरे को तरीका दसो। देन मैंने कहा अच्छा बेटा, क्योंकि स्टूडेंट का क्वेश्चन था, हम उसको जो है ना डिनाई नहीं कर सकते थे कि जनाब जो हमने मेथड आपको समझा दिया आप इसी के साथ ही करें। हर बच्चे का समझने का अंदाज़ मुख्तलिफ है, अल्लाह ताला ने हर बच्चे को डिफरेंट सलाहियतों से नवाजा होता है। चलो मैंने कहा अच्छा बेटे मैं ट्राई करता हूँ एक और तरीके से, तो अगर आपको ये समझ आ जाए, इस तरीके से याद हो जाए, तो इसमें कुछ समझाने वाला तरीका नहीं होगा। मैंने कहा मैं सिर्फ आपको, चलो आपका सवाल था जी याद करने का तरीका बता दें, मैं आपको याद करने का तरीका थोड़ा सा बता देता हूँ, आप इस अंदाज से कोशिश करके देखें, अगर याद हो जाए तो वेल एंड गुड, वरना भाई अल्लाह हाफिज़। चलो आज मैंने सोचा कि वो वाला मेथड जो मैंने उस वक्त बच्चे को समझाया था, और बच्चा बड़ा हैप्पी हुआ उस तरीके के बाद, और उसने मुझे फर डेफिनेशन सुना दी। मैं खुद भी हैरान था कि भाई मैंने तो इसमें कुछ भी नहीं किया, मैंने तो बस चीज़ों को बढ़कर थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज से बताया है, इसमें केमिस्ट्री तो कहीं भी इन्वॉल्व नहीं हुई। चीज़ों की जो अंडरस्टैंडिंग है जी, वो कंपोजिशन बताना, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़, उनकी एग्जाम्पल, ये सब चीज़ों को साइड पर रख के एक जर्नल से वे से, जैसे कुछ छोटा बच्चा होता है दूसरी तीसरी क्लास का, उसको एक कोई पिक्चर सी बना के उस तरह, इस तरह मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, और रिजल्ट बड़ा ज़बरदस्त है। बच्चे से पूछा वो जनाब फर, ना सिर्फ उससे, जब मैंने बाकी बच्चों से भी वो डेफिनेशन सुनी, सब लोगों ने फर सुनाई, तो मैंने सोचा आज क्यों ना उस मेथड को आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। मुझे नहीं पता ये आपको पसंद आएगा या नहीं आएगा, लेकिन मैं सिर्फ एक बच्चे के एक सवाल को उठा के उसको मैंने एक्सप्लेन किया था उस तरह, और उस बच्चे को फ़ायदा हुआ था, मैं सिर्फ उस चीज़ को फॉलो करने लगा हूँ। बाकी मैं नहीं कहता कि ये कोई रिकमेंडेड मेथड है, आप लोग इसी तरह ही याद करें, ये तरीका नहीं। देखिए जी, मैंने उसे बताया बेटा लेट सपोज किसी जड़ा तुसा लफ्ज़ ब्रांच ब्रांच लई खड़े वे, ब्रांच का मतलब तो जड़ा दरख्त होने, उन्हें दियाँ टाहणियाँ होने, उन्हें दियाँ शाखा होने, तो ये सब तक गाल समझ नहीं आती। मैंने कहा चलो भाई मैं उन शाखों को ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने बताया कि बेटे लेट सपोज ये आपके पास एक ट्री है जिसको उसने दरख्त बोला था, इसकी मैंने कहा समझ आ रही? उसने कहा जी बिल्कुल जी, ये एक ट्री है। मैंने कहा ऐसे दरख्त की जहाँ कुछ ब्रांचेज़ होती हैं, यानी जिसको हम टहनियाँ बोलते हैं, जिसको हम शाखें बोलते हैं। उसने कहा बिल्कुल क्लियरली आई अंडरस्टैंड दिस, कि जनाब ये तो वाकई ऐसे ब्रांचेज होती हैं ये जी। मैंने उससे बोला कि भाई बता ये क्या चीज़ है? उसने कहा जी ये ट्री है, दरख्त है, वण है। मैंने कहा लेट सपोज हम इस दरख्त का नाम जो है साइंस रख देते हैं। इसका नाम क्या रख देते हैं जी? साइंस। सुन जी ठीक है। मैंने कहा बेटे जब दरख्त, एक दरख्त होता है उसका नाम हमने सपोज, जैसे हमारे यहाँ आम का दरख्त है, जामुन का दरख्त है, सेब का दरख्त है, किसी भी फल का दरख्त है, इसी तरह ये हमारे पास एक ट्री है, एक दरख्त है, उसका नाम जो है वो साइंस है। तो अब उस दरख्त के ऊपर ये मुख्तलिफ जी, ये जी क्या है? उसने कहा जी ये टहनियाँ हैं। मैंने कहा टहनियों को अंग्रेज़ी में बोलते हैं ब्रांचेस, मतलब ये ब्रांच होगी, ये क्या है जिसकी ब्रांच है? सपोज ये एक ब्रांच है, ये दूसरी ब्रांच है, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, एंड सो ऑन, मुख्तलिफ हर दरख्त के ऊपर डिफरेंट ब्रांचेज होती हैं। मैंने कहा बेटा हम इन ब्रांचेज़ के नाम रख देते हैं। मिसाल के तौर पर हम इस पहली ब्रांच का नाम रख देते हैं जी केमिस्ट्री,
कहता जी ठीक है। मैंने कहा इसका नाम हम कहते हैं ये फिज़िक्स है। कहता ठीक है जी। मैंने कहा इसका नाम बायोलॉजी है। कहता जी ठीक है। मैंने कहा इसका नाम मैथ है। कहता ठीक है जी। मैंने कहा जी इसका नाम कंप्यूटर साइंस है। कहता ठीक है जी। मैंने कहा सपोज इसका नाम जो है जी जूलॉजी है। कहता जी ठीक है जी। सो मैंने कहा एक हमारे पास दरख्त है, दरख्त की डिफरेंट ब्रांचेस यानी टहनियां हैं, हर टहनी का हमने एक नाम रख दिया हर ब्रांच का कि जिसका नाम केमिस्ट्री है, इसका नाम फिजिक्स है, इसका नाम बायोलॉजी है, इसका मैथ है, इसका नाम कंप्यूटर साइंस है, इसका नाम जूलॉजी है। बेसिकली जो ये जो दरख्त है वो साइंस का है। मैंने कहा अब हमारा काम सिर्फ इस ब्रांच के साथ है, ये वाली जो टहनी है। मैंने कहा ये जो आपने लिखा है, आपने मुझसे सवाल पूछा था कि जी याद कैसे करूँ इसको, आपने ये लिखा है केमिस्ट्री है, ये लिखा है लफ्ज़ ब्रांच है, ये लिखा है साइंस, तीनों अल्फाज को इकट्ठा करके यहाँ लिख दो। कहता जी कैसे। मैंने कहा जी आप लिखो कि जी केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ये वाला लफ्ज़ यहाँ से उठाओ, केमिस्ट्री इज क्या है जी, ये क्या लिखा हो। कहता जी ब्रांच, इज द ब्रांच किसकी है जी, ऑफ साइंस। केमिस्ट्री जो है साइंस की ब्रांच है, बिल्कुल यहाँ से देख के पढ़ा भी जा रहा है। केमिस्ट्री क्या है जी, ब्रांच है किसकी, साइंस की। यही तीन अल्फाज मैंने यहाँ लिखे हैं, केमिस्ट्री ब्रांच है किसकी, साइंस की। मैंने कहा जैसे एक दरख्त है उसकी टहनियाँ हैं, टहनियों के ऊपर डिफरेंट पत्ते लगे होते हैं। कहता हाँ जी बिल्कुल पत्ते होने। मैंने कहा जी वो जो पत्ते होते हैं हम उनका अगर कोई नाम रख दें। कहता जी रख दें। मैंने कहा ठीक है जी। हमने कहा जी कि जी फ़र्ज़ किया ये वाला जो इसका एक पहला पत्ता है, एक पत्ता ये है। मैं कहता कहता जी ठीक है जी। उन्होंने कहा जी दूसरा कोई पत्ता है, ये तीसरा पत्ता है, ये कोई और एक चौथा पत्ता है जी। इस तरह एक दरख्त है, साइंस का ट्री है, उसकी एक ब्रांच है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की ब्रांच के ऊपर चार पत्ते लगे हुए हैं और उन चार पत्तों के नाम हैं, क्या नाम है जी। मैंने कहा जी पहले का नाम कंपोजिशन है, क्योंकि कंपोजिशन की डिटेल एग्जांपल ये तो सारी पहले समझा चुका था। दूसरे नंबर पे मैंने कहा जी इसका नाम स्ट्रक्चर है। तीसरे का नाम मैंने कहा जी इसका नाम प्रॉपर्टीज़ है। चौथे का नाम मैंने कहा जी रिएक्शन ऑफ मैटर्स है। मैंने कहा जी चार नाम है जी, केमिस्ट्री ब्रांच है किसकी, साइंस की, और उसके ऊपर चार पत्ते लगे हुए हैं। विच उसका पत्ते लगे हुए को क्या, मैंने कहा जी आप लफ्ज़ बोल दो विच डील्स विद केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, विच डील्स विद, वही लफ्ज़ यहाँ भी लिख दो विच डील्स विद, कि केमिस्ट्री एक साइंस की ब्रांच है, ठीक है। उस ब्रांच के ऊपर फिर चार पत्ते लगे हुए, पहले का नाम क्या जी कंपोजिशन, दूसरे का नाम स्ट्रक्चर, तीसरे का नाम प्रॉपर्टीज, चौथे का नाम रिएक्शन ऑफ मैटर। नंबर वन कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ मैटर। मैंने उन्हीं के नाम यहाँ लिख दो कि केमिस्ट्री जो है हमारी ब्रांच है साइंस की, विच डील्स विद यानी उस टहनी के ऊपर क्या लगे हुए हैं जी, चार पत्ते लगे हुए हैं। पहले पत्ते का नाम क्या जी कंपोजिशन, कंपोजिशन। दूसरे का नाम जी स्ट्रक्चर, तीसरे का नाम जी प्रॉपर्टीज, चौथे का नाम रिएक्शंस ऑफ मैटर। बन गई जी डेफिनेशन, बन गई जी। आप देख लें केमिस्ट्री है ब्रांच है साइंस की, विच डील्स विद, उस ब्रांच के ऊपर क्या लगे हुए हैं भाई, चार पत्ते लगे हुए हैं। पहले का नाम क्या है कंपोजिशन, दूसरे का नाम स्ट्रक्चर, तीसरे का नाम प्रॉपर्टीज, चौथे का नाम रिएक्शन ऑफ मैटर। इन्हीं चार अल्फाज को उठा के यहाँ फीडअप कर दो। जैसे आपने पहला लिखा था केमिस्ट्री ब्रांच है साइंस की, मैंने लिख दिया केमिस्ट्री ब्रांच है साइंस की, विच डील्स विद यानी इस ब्रांच के ऊपर, इस टहनी के ऊपर क्या लगे हुए हैं जी, चार पत्ते लगे हुए हैं जी। वही लाइन वैसे की वैसे लिख दी, विच डील्स विद, पहले पत्ते का नाम क्या है जी कंपोजिशन, दूसरे का नाम स्ट्रक्चर, तीसरे का नाम प्रॉपर्टीज, चौथे का नाम रिएक्शन ऑफ मैटर। मैंने कहा चार अल्फाज को मिलाओ, एंड में बोल दो इज कॉल्ड केमिस्ट्री, ये तो आपकी केमिस्ट्री की डेफिनेशन होगी। आखिर सारे तो गाल समझ आ गई है। मैंने कहा अब सुनाओ, सुनाने लग गया जनाब। कहता जी केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्ट्रक्चर को प्रॉपर्टीज, कहना रिएक्शन को सर मैं तो कुछ से ना कंपोजिशन, मतलब कहने का जब वो सुनाने लगा
ये जो चार अल्फाज थे, ये जो चार वर्ड थे, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ और रिएक्शन ऑफ मैटर, ये उसका ये ख्याल था कि इनकी तरतीब बहुत ज़रूरी है। वो कभी प्रॉपर्टीज़ लफ्ज़ पहले बोल देता, कभी रिएक्शन ऑफ मैटर, यहाँ पर थोड़ा सा वो रुक रहा था। अब किसी बाकी गाल तो एक समझ आ गई है, हूँ कुछ कुछ याद थी गई है। हूँ उस्ताद जी एक ये मसला है, जल्द मैं लिखण बाना या जल्द लोगों सुने ना, मेरे को ये समझ नहीं आती, पहले मैं प्रॉपर्टीज़ आखने, मैं रिएक्शन आखने, मैं कंपोजिशन आखने, मैं क्या आखा। अब मैं क्योंकि बच्चे का मासूमाना सवाल था, मुझे मैं कोशिश कर रहा था उसको उसके लेवल पे जाके उस चीज़ को अंडरस्टैंड कराऊँ, उसको ये चीज़ तो बड़ी क्लियर समझ आ गई कि जी केमिस्ट्री ब्रांच है, साइंस की है। अब ये नहीं पता चलता था ये कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ और रिएक्शन ऑफ मैटर में से पहले कौन सी बात आनी है। अच्छा, फिर मैंने उसको एग्जाम्पल दी, मैंने कहा यार आपने जो है महकमा पुलिस देखा है? कहता जी हाँ बिल्कुल सही, मैं पुलिस वाला डिट हूँ। मैंने कहा जी उनका एक ऑफिसर होता है, उसको आप बोलते हो DSP। हाँ सी मैं जानता कि DSP होंगे। मैंने कहा वो होता है बेटा डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अखे जो तो बिल्कुल चंगी तरह याद। मैंने कहा आप यूँ याद कर लो, क्योंकि आपका सवाल था कि मुझे याद नहीं होती डेफिनेशन, मैं सिर्फ याद करने का तरीका बता रहा हूँ, समझा नहीं रहा आपको, तो यूँ याद रख लो जो केमिस्ट्री है इसका जो ऑफिसर है उसका नाम CSP है। CSP अखे से क्या मुराद? CSP तो क्या मुराद? मैंने कहा जी CSP से मुराद ये है जी, आप बोलो कि जी सी फॉर कंपोजिशन, एस फॉर स्ट्रक्चर, पी फॉर प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शन ऑफ मैटर। कहता जी कैसे? मैंने कहा जब भी आपने डेफिनेशन लिखनी है या सुनानी है, आप बोलेंगे द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद, आपके जहन में फ़ौरन लफ्ज़ आ जाए, एक ट्रिक बता रहा हूँ, CSP, जैसे वो पुलिस वाला DSP होता है ना, केमिस्ट्री का क्या आएगा? CSP। सी फॉर कंपोजिशन, एस फॉर स्ट्रक्चर, पी फॉर प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शन ऑफ मैटर। अखे सिवा सिवा तो गाल बन गई सर। मैंने कहा सुनाओ आप। जनाब उसने डेफिनेशन सुनाई, कहता जी केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। मैंने कहा लिख के दिखाओ। उसने जनाब दो मिनट लगाए लिख के दिखाओ। और भी कब सर बच्चे जो लास्ट बेंचेस में बैठे थे, मैंने कहा भी हाँ भी, मैंने जिस बच्चे से भी डेफिनेशन सुनी, मैंने कहा सुनाया जी केमिस्ट्री, सब फॉरन फर। एक बच्चे ने याद तक कह दिया जी केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद CSP एंड रिएक्शन ऑफ मैटर। मैंने कहा भाई ऐसे नहीं, कहीं ऐसा लिखना आना, मैंने सिर्फ आपको याद करने का तरीका बताया है, आपने बोलना ऐसे नहीं है। कहने का मकसद ये है कि ये जो लफ्ज़ CSP है, जब आप डेफिनेशन ब्रांच, वो लफ्ज़ तो बोलना ही है आपने, केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद CSP, सी फॉर कंपोजिशन, एस फॉर स्ट्रक्चर, पी फॉर प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। बताएं जी अब इसमें क्या मुश्किल है जी? यकीन जानिए वो बच्चा जो कह रहा था जी चीज़ें समझ तो आ गई हैं, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, जो भी आपने रिएक्शन, लेकिन याद नहीं हो पा रही, वो उसको डेफिनेशन याद होगी। बड़े अरसे बाद दोबारा मुलाकात हुई, वो हमसे मैटर करके चला गया। मैंने कहा सुनाओ भाई। आखिर सर बाकी गालें छोड़ो, केमिस्ट्री की डेफिनेशन आज भी याद है। मैंने कहा सुनाओ। फौरन उसने फर द केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ मैटर। मैं कहा किवें याद थी? आखिर सर वो CSP वाली गाल नहीं भूल दी। बहरहाल जी मैंने कहा अल्लाह ताला आपको CSP ऑफिसर बनाए भाई। तो बेटा ये एक अंदाज़ था, मैंने आपके साथ शेयर किया, मुझे नहीं पता आपको ये समझ आया है अब नहीं आया, अच्छा लगा बुरा लगा। यकीनन टीचर्स के लिए या आम आदमी कहेगा ये कैसा पढ़ाने वाला टीचर है जो बच्चों को बड़ी एक बेतुकी बात की तरफ लेके जा रहा है। भाई मैं दोबारा क्लियर कर दूं, मैंने ये बात सिर्फ इसलिए शेयर की है कि मेरा लेवल जो है समझाने का, मैं अपने स्टूडेंट को फोकस कर रहा हूं। वो स्टूडेंट जो अभी जस्ट 8वीं से 9वीं में आया है, उर्दू मीडियम से आया है, उसको इंग्लिश के अभी वर्ड का मीनिंग का, उनकी प्रोनाउंसिएशन का ही नहीं पता, हम उसके ऊपर एक डेफिनेशन की पूरा धाक देते हैं कि जनाब ये डेफिनेशन है जी, अभी याद करो जी, ये मैंने समझा दी है। भाई उसके लेवल पे आओ, उसको थोड़ा सा आगाज़ तो करने दो, उसको इनिशिएट तो लेने दो, स्टार्ट तो लेने दो, ठीक है बाद में जब गाड़ी चल पड़ेगी आप जितना मर्जी उसके ऊपर बर्डन डाल देना। उम्मीद है जी आपको ये तरीका पसंद आया होगा, नहीं भी आया होगा तो भी भाई मैंने तो ये कोशिश की है समझाने की। थैंक यू, जजाकल्ला।